जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माई एजुकेशन। आज संडे और हर संडे को हम लोग एक स्पेशल शो लेकर आते हैं जिसका नाम है किताब एक्सप्रेस। बहुत दिनों से कोई भी किताब हम लोग नहीं लेकर आ पाए हैं, बट अब हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आज जिस पर्सनालिटी पे हम लोग बुक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत बड़े पर्सनालिटी है, ना कि सिर्फ भारत के बट दुनिया के सबसे बड़े पर्सनालिटी में से एक है। वो कोई और नहीं, वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। इनपे भी मैं दो बुक्स पढ़ा, इसमें से जो कुछ मैं समझा सबको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे टॉक्स विद स्वामी जी, ये स्वामी जी से डायरेक्ट कन्वर्सेशन जो है उनकी ये सारी बातें इसमें लिखी गई है। ये एक एक पेज अपने आप में एक किताब है और इसपे हम लोग कभी बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर कर। इसमें 30-40-50 चैप्टर्स हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद। इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, बात करने में भी हमको डर लग रहा है। अगर हम कोई भी गलती कर दे तो आई एम सो सॉरी फ्रॉम बिगनिंग, हम अभी से ही आपको बोल दे रहे हैं। इनका बचपन का नाम नरेंद्र है, जैसे कि सबको पता है स्वामी जी का बचपन का नाम नरेंद्र है। स्वामी विवेकानंद जी को हम हमेशा स्वामी जी बोलेंगे। ये वेस्ट बंगाल में इनका जन्म होता है, मकर संक्रांति उस दिन होता है, 12 जनवरी 1863 को ये जन्म लेते हैं। इनके जन्म दिवस को आज भी हम लोग मनाते हैं एज नेशनल यूथ डे, क्योंकि युवा को हमेशा ये आकर्षित करते हैं अपने वचनों से, अपने कथन से, अपने जो भी टीचिंग्स किए हैं, अपने नॉलेज से। तो इसीलिए हम लोग इनके जन्मदिन को मनाते हैं एज नेशनल यूथ डे। वैसे इसको इंटरनेशनल यूथ डे होना चाहिए था, ये बहुत बड़े फिगर है। बंगाली फैमिली में ये जन्म लेते हैं, 7 भाई बहनों में ये एक होते हैं। क्या क्या ये अपने जीवन में करते हैं थोड़ा सा ग्लैंस आपको देते हैं। ये मॉन्क होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, टीचर होते हैं, श्री रामाकृष्ण परमहंस होते हैं उनकी ये डिसिपल, एक छात्र होते हैं। उसके बाद वेदांता पे इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, उपनिषद वेदास पे बहुत ज्यादा गहरा इनको नॉलेज रहता है। योग को ये वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो था शिकागो में 1893 में, उसको अटेंड करते हैं और वहां पर ये संबोधन करते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और तब 2 मिनट तक सिर्फ ताली का गड़गड़ाहट सुनाई दे रहा था और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, फिर साइलेंस हो जा रहा था पूरा पार्लियामेंट। तो इतने बड़े बड़े कारनामे इनके हैं। उसके बाद न्यूमरस बुक्स ये इन्होंने लिखा है, बहुत सारे 4-5-6-7 बुक्स लिखा है। उसके साथ साथ बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं होल अमेरिका में, यूरोप में, बहुत जगह घूमकर, पूरा भारत में तो घूमे ही है। इनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। इनके फादर जो थे, पिताजी थे, अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। ये बहुत ही रिच फैमिली और एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते थे, रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते थे बंगाल के। बंगाल का एक अलग कल्चर है, वहां पे इंटेलेक्चुअल्स का, वहां पर एक अलग साहित्य का या फिर डिबेट्स का, डिस्कशन का शुरू से एक स्पेस रहा है, बहुत इनरिच प्लेस रहा है इन सब चीजों में, लिटरेचर वगैरह में। तो उन सारी चीजों पे डिबेट होता था। इनके पिताजी लोगों को बुला बुलाकर घर पे डिबेट अरेंज कराते थे और ये छोटा थे उस समय पर, बच्चा थे, साथ में बैठकर उस डिबेट को सुनते थे। उस पे लिटरेचर पे डिबेट होता था, हिस्ट्री पे डिबेट होता था, रिलीजन पे डिबेट होता था, बहुत सारे रिलीजन से लोग आते थे और डिबेट हुआ करता था। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, वे संस्कृत के स्कॉलर थे, लेकिन इनको संस्कृत बहुत बाद में जाकर सीखे। राजस्थान जब गए थे घूमने के लिए तब जाकर ये संस्कृत सीखे थे। इनके दादाजी 25 साल की ही उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था, मॉन्क बन गए थे और वो बनारस में आकर अपने आगे का जीवन उन्होंने बिताया। उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नरेंद्र जो बचपन के नरेंद्र थे, स्वामी जी का बचपन का नाम नरेंद्र था और बच्चा नरेंद्र जो था वो मेडिटेशन बहुत करता था बचपन में। शिव, राम, हनुमान और सीता जी को बहुत प्रेम करते थे ये, सबको अपना आइडल मानते थे, शिव जी को, राम जी को, सीता जी को और हनुमान जी को। बहुत बदमाशी किया करते थे, इनकी मम्मी इनसे बहुत परेशान होती थी और फिर भी मम्मी इनको बहुत प्यार करती थी, मम्मी से सबसे ज्यादा इनको लगाव था। एक बार की बात है, बच्चे साथ खेल रहे थे, इसमें नरेंद्र भी थे, स्वामी जी भी थे और सारे बच्चे गए और नरेंद्र वहां बैठकर और मेडिटेशन करने लगे। तब तक एक स्नेक आया, कोबरा आया, सांप और आया और बच्चे देखकर उस सांप को भाग गए। जाकर घर पर बताए कि नरेंद्र वहां बैठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहा है और वहां सांप निकला हुआ है। घर के लोग दौड़े दौड़े आए, नरेंद्र की माँ आई तो देखी कि कोई वहां पे नहीं है, नरेंद्र बैठा हुआ है आंख बंद करके और मेडिटेशन में है। और उस समय इनकी उम्र थी 7 साल
आपको बता दें इनकी स्कूलिंग जो हुई थी वो भी बहुत बड़े स्कॉलर के स्कूल में हुई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, इसलिए इनके नाम में था विद्यासागर, ओशियन ऑफ नॉलेज। ये सोशल रिफॉर्मर थे, इनके बारे में तो हम क्लास 1 और 2 में थे तभी हम पढ़े थे, आपको जाननी चाहिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। जब बालक नन्हे रहते तो इनको एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव था, जैसे कि मंकी, गोट, पीकॉक, पिजन्स, डॉग, डग, शिप्स, इन सारे एनिमल्स को ये अपने आसपास रखते थे, अपने घर पर रखते थे। ये खाना भी बहुत अच्छा से बनाते थे, मतलब बचपन से तो नहीं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज 14-15 साल के बाद इनको खाना उना बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। बाद में ये बोलते ही हैं कि जो खाना नहीं बना सकता है वो अपने जीवन में क्या करेगा। वो मॉन्क बनने का सबसे पहला लाइक किसी का अगर एजुकेशन है, मॉन्क का सबसे पहला सीढ़ी है तो वो एक कुक का है, खाना बनाओ पहले, क्योंकि आपको होल इंडिया ट्रैवल करना है और आपका खाना खुद से जुटाना है, तो अगर कहीं नहीं मिला तो खुद से आपको खाना बनाने आनी चाहिए, और हमारा जीवन है तो कम से कम अपने पेट का तो समाधान हम लोग खुद से कर सकते हैं। इस पे खाना बनाने पे ये बहुत मतलब एडवोकेट करते हैं उस चीज को, और ये स्पाइसेस बहुत कम डालते थे खाना में, इसलिए इनके फॉरेनर्स दोस्त बनते थे, फॉरेनर्स स्पाइसेस बहुत कम खाते थे, मसाला बहुत कम खाते भी हैं, तो इससे इनको दोस्त मिले बहुत सारे। खाना खाते समय ये पानी खूब पीते थे, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं इनके बचपन की। एक समय की बात है, एक इनके घर के बगल में एक चंपा का पेड़ हुआ करता था और इस पे ये लोग खूब खेलते थे, तो इनके पापा बता दिए, समझा दिए कि उस पे मत जाओ, उस पे भूत रहता है, बहुत सारे मिथिकल स्टोरीज बता दिए फालतू का। तो फिर अपने फ्रेंड से ये बोले, इनके फ्रेंड्स कोई नहीं जा रहा था वहां पर, तो ये स्वामी जी बोले कि डोंट बिलीव व्हाट पीपल से टू यू, बिलीव व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर ओन लाइफ। इस पे ना विश्वास करो कि लोग तुमको क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस पे विश्वास करो कि क्या तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो इतने छोटे छोटे में इतनी ज्ञान की ये बातें करते थे, बहुत पढ़ते थे ये, 3-3 दिन तक लगातार पढ़ते रहते थे, 2-2 दिन लगातार पढ़ रहे हैं, बुक के बाद बुक के बाद बुक पढ़ रहे हैं। पता है ये जब पढ़ते थे तब इतना पढ़ चुके थे कि जो भी पेजेस था उसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़कर पूरा पैराग्राफ समझ लेते थे, फिर फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ पढ़कर पूरा पेज और चैप्टर समझ लेते थे, फिर तो सिर्फ प्रीफेस पढ़कर ही बुक समझ लेते थे, इतना ज्यादा ये पढ़ते थे हमारे स्वामी जी इतना। उसके बाद 1879 में ये कॉलेज जाते हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहां इनकी मुलाकात होती है प्रोफेसर विलियम हैस्टिन से, और ये विलियम हैस्टिन जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इजी लैंग्वेज में बता देते थे, ये इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे, और इनसे इनका संबंध बड़ा सुंदर बना था, बड़ा मधुर बना था। ये बड़े बड़े पोइम्स जो थे उस समय विलियम वर्ड्स के और जो भी उस समय के राइटर्स थे वो बहुत इजी भाषा में इनको बता दिया करते थे। तो उसके बाद प्रोफेसर विलियम हैस्टिन इनके प्रतिभा को समझे, जाने परखे, और फिर इनपे कमेंट किए थे कि आई हैव ट्रैवल्ड फार वाइड बट हैव नॉट येट कम अक्रॉस अ लैक ऑफ हिज टैलेंट। वो बोल रहे हैं कि हम जर्मन यूनिवर्सिटीज में, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज में बहुत जगह पढ़ाए हैं, लेकिन इस प्रतिभा का लड़का मुझे आज तक अपने जीवन में नहीं मिला है। वर्ड्सवर्थ का एक पोएम पढ़ा रहे थे, द एस्क्रिजन, तो इस समय पर वो स्टेट समझा रहे थे पोएट का कि पोएट ये कहना चाह रहा है, तो पोएट जब ये कहना चाह रहे हैं तो इस चीज को समझा रहे थे, तो फिर ये जो स्टेट है जिस स्टेट में पोएट कविता लिखा है ये नॉर्मली अचीव नहीं होता है, इसके लिए इनर सोल एकदम प्यूरिटी के साथ चाहिए, अंदर के। आपको पता है कि जब भी हम लोग पोएम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमारे आत्मा से वो कनेक्ट करता है जाकर, वो या तो दिनकर की पोएम हो या हरिवंश राय बच्चन की हो या फिर महादेवी वर्मा की पोएम्स को ले लो, सब जाकर दिल से कनेक्ट होता है, बिकॉज वो दिल से निकली हुई आवाजें होती हैं। तो ये बता रहे थे कि आज तक मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो इनर प्योरिटी के साथ पोएम को लिखते हैं और समझते हैं, जो राइटर पोएम लिखा है उसके अंदर इनर प्योरिटी है, और वही इनर प्योरिटी मैंने एक आदमी के अंदर देखा है यहाँ पर कलकत्ता में, और वो कोई और नहीं थे, श्री रामाकृष्ण परमहंस थे, हमारे जो स्वामी जी दक्षिणेश्वर टेम्पल में ये वहां पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे और वहां के ये प्रिस्ट थे। तो ये श्री रामाकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं स्वामी जी जाते हैं वहां पर और जाकर मिलते हैं, इसका भी हम लोग स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन स्वामी रामाकृष्ण परमहंस के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दक्षिणेश्वर टेम्पल है कोलकाता में, हावड़ा इस तरफ है, कोलकाता उस तरफ है, बीच में हमारी गंगा नदी दोनों को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो कोलकाता मेन टाउन से 5-7 किलोमीटर के दूरी पर दक्षिणेश्वर टेम्पल है, अगर आप वहां जाइएगा तो जाइएगा, घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है। तो वो प्रीस्ट थे वहां पर उस टेम्पल में,
बताया जाता है कि वो काली माता से डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर लेते थे, बात करते थे, इतना ज्यादा मतलब काली जी उनके सामने साक्षात दिखती थी हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस जी को। उसके बाद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे, बैठे बैठे रोने लगते थे, इतना ज्यादा स्पिरिचुअल थे। उनके बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स है, बोले तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग और इनके पिताजी लोग वहां जाकर बैठते थे और समझते थे, सुनते थे। बहुत बड़े बड़े उस समय के स्कॉलर जाकर श्री रामकृष्ण परमहंस को सुनते थे। वो हर रिलीजन को फॉलो करते थे, मतलब किसी से बायस नहीं थे, दो दो महीने सबको फॉलो करते थे, सबको समझते थे और बोलते थे जितने लोग हैं, जितने मत है, उतने पद हैं, एक कोई रास्ता नहीं हो सकता है कहीं जाने का, बहुत सारे रास्ते हैं और सबका डेस्टिनेशन एक ही है। तो इस तरह की सोच हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस रखते थे। उनकी शादी हुई थी शारदा देवी से, लेकिन वो शारदा देवी को हमेशा माँ की नजर से देखे हैं और शारदा देवी जी में वो अपनी माँ को देखते थे, श्री रामकृष्ण परमहंस। तो इनके पास गए हमारे स्वामी जी। तब तक स्वामी जी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लिए थे। ये राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था जो कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट था, बोला जा सकता है बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट था, जैसे सती प्रथा के अगेंस्ट था, उसके बाद रिचुअल्स के अगेंस्ट था, जो चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ था, चाइल्ड बचपन में जो मैरिजेस हो जाते थे, पॉलीगैमी के खिलाफ था, इसके बाद अनटचेबिलिटी के खिलाफ था, छुआछूत का जो था कि एसटीएससी के साथ हम नहीं बैठेंगे, वो जो जिस कुआं से पानी पी रहा है उस कुआं से हम नहीं पिएंगे, इसके ये खिलाफ मूवमेंट था। फिर विडो रीमैरिज कराता था ये जो मूवमेंट था, ये समाज था। तो इससे कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए हमारे स्वामी जी जुड़ते हैं। इसके साथ साथ अब हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने होता है स्वामी जी का। स्वामी जी जब जाते हैं तो श्री रामकृष्ण परमहंस इनको देखते हैं, देखकर बोलते हैं आप इतना लेट क्यों आए ईश्वर, मतलब डायरेक्ट स्वामी जी को ऐसे बोलते हैं। सोचिए आप किसी मंदिर में जा रहे हैं और वहां के जो पुजारी हैं वो बोल रहे हैं कि हे भगवान आपको देखकर, हे भगवान आप इतना लेट क्यों आए, आप आने में इतना देरी क्यों किए, आपको कब का आ जाना चाहिए था, फिर भी आइए बैठिए। और अपने कक्ष में इनको ले जाते हैं, वहां जाते हैं और श्री रामकृष्ण परमहंस रोने लगते हैं एकदम, अपने हाथों से इनको खिलाते हैं, इतना प्रेम करते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी को, देखते ही इतना ज्यादा प्रेम करते थे। तो कुछ तो बात थी इनमें, स्वामी जी में। फिर स्वामी जी को देखकर गड़बड़ाहट हो जाने लग गई, ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं, ये पागल हो गए हैं या क्या हो गए हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन स्वामी जी के दिमाग में आने लगा। फिर स्वामी जी एक महीना तक नहीं गए, एक महीना बाद फिर स्वामी जी जाते हैं तो फिर वो डांटने लगते हैं नरेंद्र को, स्वामी जी को डांटने लगते हैं कि आप इतना दिन बाद क्यों आ रहे हैं, आपसे मैं बात नहीं करूंगा, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि हम पूरा यूनिवर्स एक्सपीरियंस किए वहां पे बैठकर श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठकर। स्वामी जी भी रोने लगते हैं, उसके बाद श्री रामकृष्ण परमहंस भी रोने लगते हैं। बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी आपको पहले ही बताए हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी को सुनने के लिए आते थे। तो उसके बाद से हमारे स्वामी जी कंटिन्यू हो जाते हैं और वहां के डिसिपल्स बन जाते हैं, वहां के ये लाइक छात्र बन जाते हैं, वहां के एक सन्यासी बन जाते हैं, धीरे धीरे बन जाते हैं। फिर वहां जाकर ये रियल भक्ति समझ पाते हैं कि रियल भक्ति क्या होता है, वहां जाकर ये रिलीजन समझ पाते हैं, वहां जाकर ये प्रैक्टिस समझ पाते हैं कि रिलीजन को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, गॉड को समझ पाते हैं। तब तक नरेंद्र के घर में बहुत सारी परेशानियां होने लगी, इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और जो बच्चा नरेंद्र का वो बड़ा हो जाता है और उसपे घर की जिम्मेवारियां आ जाती है। तब ये बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से जूझते हैं और तभी इनके एजुकेशन छूट जाता है। आई थिंक ये हिस्ट्री में अपना एजुकेशन आगे बढ़ा रहे थे, तब तक इनका एजुकेशन कॉलेज छूट जाता है। बहुत जगह जाते हैं जॉब के लिए, इनको एक जॉब तक नहीं मिलता है उस समय पर। सोचो आज के स्वामी विवेकानंद को उस समय एक जॉब कोई ऑफर नहीं कर रहा था, छोटा मोटा भी जॉब, सेल्समैन का भी जॉब कोई नहीं दे रहा था। उस समय इनके फ्रेंड फूड खाना दे देते दे थे, तो उस खाना को ये खाते नहीं थे, बोलते थे घर पर खाएंगे अच्छा से, और घर लाते थे और मम्मी को देते थे कि ये आप खा लीजिए, मैंने खाना खा लिया है बाहर। इस तरीके से अपने ये आगे के मतलब जीवन यापन करते हैं। बहुत डिफिकल्ट टाइम आता है इनके ऊपर, इनके फैमिली फ्रेंड्स सब एकदम इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, जब इनके पास कुछ रहता नहीं है, इनके पिताजी डेथ कर जाते हैं, पेरेंटल होम है उस पे इनकी आंटी केस कर देती है इन लोगों पे, तो मतलब होमलेस हो जाते हैं, ऐसा सिचुएशन आता है। उसी समय बोलते हैं कि फ्रेंड और एविल कौन है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, जब आपके साथ कुछ अनहोनी होता है तब जाकर समझ में आता है, जब आप परेशान होते हो तब जाकर आपको समझ में आता है कौन रियल पीपल है आपके साथ खड़ा होने के लिए, रियल और फेक पीपल में उस समय ये जाकर समझ पाते हैं।
फिर कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण परमहंस जी का डेथ हो जाता है, इनको कैंसर हो जाता है गला में थ्रोट में और इससे इनकी देहांत हो जाता है। तो उस समय 12 डिसिपल्स होते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी का, तो सबको यही देख रेख करते हैं। उनकी जो शारदा देवी जो वाइफ होती है उनको श्री रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखना, अपनी विडो माँ का ख्याल रखना। अब इनकी दो दो माँ हो जाती हैं, एक अपनी माँ और एक श्री रामकृष्ण परमहंस की वाइफ जो होती हैं श्री शारदा देवी, तो दोनों का ये ख्याल रखते हैं। इसके साथ साथ पूरे कोलकाता में ये कहीं कहीं जाते हैं डोनेशंस वगैरह लेने के लिए, या फिर कोई दे देता है तो उससे एक आश्रम चलता है, किसी के घर पर शिफ्ट कर लेते हैं लोग, वहां वेदास को बहुत डीपली ये लोग पढ़ते हैं, हर दिन एजुकेशन होता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, अपने अपने छात्रों को ये समझाते हैं। उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि हम पूरे भारत को भ्रमण करेंगे, और तब इनका स्टार्ट होता है ट्रैवलिंग स्टार्ट होता है। तो बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं, बाय फुट ट्रैवल करते हैं, बैलगाड़ी से ट्रैवल करते हैं। इसके साथ साथ ये मनी कभी नहीं कैरी करते हैं, जब भी ट्रैवल करते हैं बोलते हैं कि अपने देश में क्या मनी कैरी करना है, मेरे देशवासी ख्याल रखेंगे ही मेरा। एक बार जब ये बनारस के पास आए थे, सबसे पहले ये जगह है बनारस, कलकत्ता से बनारस आते हैं, और बनारस के बगल में एक है गाजीपुर, गाजीपुर में एक रहते हैं पौहारी बाबा के साथ ही कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक रहते हैं। वहां बहुत सारे मंकीज इनको घेर लेते हैं, तो जब मंकीज घेर लेते हैं तो ये शांत खड़े हो जाते हैं, मंकी अपने आप चले जाते हैं दूर इनसे। तब ये बोलते हैं कि कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स रैदर देन रन अवे फ्रॉम देम, जो भी प्रॉब्लम से उनको कन्फ्रंट करो बजाय कि प्रॉब्लम से भागने के। कब तक आप भागोगे प्रॉब्लम से? प्रॉब्लम से कन्फ्रंट करना आप सीखो। इसके साथ साथ पूरा भारत ये कैसे ट्रैवल करते हैं हम आपको बताते हैं। बनारस के बगल में गाजीपुर जाते हैं, वहां से ये अयोध्या जाते हैं, अयोध्या राम जी की नगरी, वहां से लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से आगरा जाते हैं, आगरा से वृंदावन जाते हैं कृष्ण की नगरी, हथरस जाते हैं, और हथरस स्टेशन पर वहां पे इनकी मुलाकात होती है शरद चंद्र गुप्ता से ये बातचीत करते हैं, वहां की ये स्टेशन मास्टर रहते हैं, आप विकिपीडिया पे देख सकते हो शरद चंद्र गुप्ता के बारे में। तो बाद में ये शरदानंद बनते हैं, ये शरद चंद्र गुप्ता ये स्टेशन मास्टर का जॉब छोड़कर और स्वामी जी के साथ हो लेते हैं, और बहुत ये बड़े संत बनते हैं आप देख सकते हो। ये हरिद्वार से ऋषिकेश पैदल जाते हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश वहां ये पैदल जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं जो उस समय का इलाहाबाद आज का प्रयागराज है। उसके बाद भागलपुर जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, वहां तो बहुत बड़ी इनकी संस्था बाद में खुलती है, देहरादून जाते हैं, मेरठ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अलवर जाते हैं, राजस्थान का अलवर, वहां के राजा अजीत सिंह से इनकी मुलाकात होती है 1891 में, वही इनका उपाधि दिए स्वामी विवेकानंद का। इसके साथ साथ ये गुजरात के पोरबंदर में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पूना जाते हैं, वहां बाल गंगाधर तिलक से मिलते हैं, कोल्हापुर जाते हैं, उसके साथ साथ बेलगम जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं जो कि आज उसको बोला जाता है बनारसी ऑफ साउथ रामेश्वरम को। इसके साथ साथ बेंगलोर जाते हैं, मैसूर जाते हैं, त्रिचूर जाते हैं, कोचीन जाते हैं, त्रिवेंद्रम जाते हैं, मदुरई जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, पौंडीचेरी जाते हैं, मद्रास, हैदराबाद और वैसे ही बंगाल तक पहुंचते हैं। मतलब पूरे भारत का ये यात्रा करते हैं, यहां से जो स्टार्ट करते हैं जैसे पूरा घूमकर फिर ये वेस्ट बंगाल जाते हैं। सोचो बनारस से लखनऊ वगैरह होते, ऋषिकेश होते, और ये जाते हैं पूरे साउथ घूमकर और तब वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं। ये वहां जाकर क्या करते हैं? वहां जाकर स्पिरिचुअल नॉलेज लोगों को देते हैं, अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, यूथ को अवेयर करते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन ऑफ मासेस का बात करते हैं कि हम लोग को शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अवेयरनेस का बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं, विमेन को सेम पेडिस्टल पर लाने का बात करते हैं, पॉवर्टी के खिलाफ जंग लड़ने की बात करते हैं, इग्नोरेंस के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स को ये टच करते हैं, और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट का हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आगे देखेंगे कि कैसे ये शिकागो जाते हैं, वहां का भाषण कैसा होता है, और फिर कैसे आगे का जर्नी रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।